बिहार में नीतीश कुमार ने शराब का अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का एक नया रास्ता खोज लिया है। दरअसल नीतीश सरकार तेलंगाना से 20 विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों को लाने की योजना बना रही है। ये कुत्ते शराब को सूंघ कर उसका ठिकाना बताने में निपुण होंगे। बिहार के अपराध अनुसंधान शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि तेलंगाना के IITA में 20 ऐसे पिल्लों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जो शराब के अवैध भंडारण को सूंघ कर पता लगाने में सक्षम होंगे। अधिकारी ने बताया कि जिस तरह से ट्रेंड कुत्ते विस्फोटकों को सूंघ कर उनका ठिकाना पता लगा देते हैं, ठीक वैसे ही ये कुत्ते भी सूंघ कर शराब के ठिकाने को पता लगाएंगे। सूंघ कर शराब का ठिकाना बताने वाले इन 20 ट्रेंड कुत्तों को बिहार के चारों पुलिस जोन पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में अवैध शराब को पकड़ने की ये योजना कारगर साबित होती है तो भविष्य में तेलंगाना से और भी ऐसे कुत्ते मंगाए जाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।